हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने संधि पढ़ाई थी और उनमें तीन संधियों को हमने डिस्कस किया था। तो थोड़ा एक बार रिवाइज करते हैं और उसके बाद फिर यण और अयादि संधि पर चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ उदाहरण हमने समझाए थे आपको और कुछ आज भी समझाते हैं, पहले रिवाइज करते हैं। देखिए, संधि के बारे में हमने बताया था कि संधि का मतलब होता है जोड़ या मेल, यानी दो जो परस्पर शब्द होते हैं निकटवर्ती, उनके मेल को ही संधि कहते हैं, है ना। तो संधि के हमने परिभाषा और ये सारी चीज़ें हमने बताई थी अगली वीडियो में। देखिए, ये संधि के भेद हैं, है ना। तो संधि तीन प्रकार की होती हैं, ये बताई थी हमने। और इसके बाद में संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उनको हम संधि कहते हैं। देखो, स्वर संधियों के पांच भेद होते हैं जिनमें हमने दीर्घ, गुण और वृद्धि, इन तीनों को हमने पढ़ा दिया था। आज यण और अयादि पढ़ाएंगे। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, दीर्घ संधि, तो दीर्घ में क्या होता है कि देखो आ ई और ऊ, है ना, आ ई और ऊ ये स्वर हैं और इनके पश्चात ह्रस्व या दीर्घ, यानी कि या तो बड़ा आ और बड़ी ई या बड़ा ऊ आए या छोटी आए, तो इनके पश्चात दोनों के मेल से क्या होगा, बड़ा शब्द बनेगा, बड़ा आ बन जाएगा। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, जैसे स्वार्थी है तो स्वा में देखो स्वर, इसमें आए और इसमें है बड़ा आ, दोनों के मेल से क्या बना है, तो इसमें देखो वा पे मात्रा लगी है तो ये बड़ा आ बना है, स्वार्थी, है ना। इसी तरह से रामातार, देहांत, तो इसको हम अगर देखेंगे तो सब में जैसे बड़ा आ जरूर लगा है। जैसे कि जैसे पराधीन देखें, पर प्लस अधीन, तो देखो पराधीन, तो इस तरह से सब में। देखो गुण संधि में हमने बताया था कि इसमें ई या बड़ी ई या बड़े ऊ के मेल से और ए और ऊ आए तो क्या बनता है, इनमें सब ने हमने बताया था। देखो ए और यानी कि छोटा ओ बनेगा, छोटी ए और छोटा ओ। तो पहले हम दो चार एग्जांपल के बारे में जानते हैं, है ना। अच्छा, अब देखते हैं। देखो वृद्धि संधि, इसमें बड़ी ए और बड़ा ओ बनता है दोनों के मेल से। चलिए अब देखिए, हम चर्चा करते हैं। जैसे मान के चलिए परीक्षा, है ना, तो परीक्षा को हम कैसे लिखेंगे, परीक्षा हमने इस तरह लिखा, लेकिन इसको तोड़ेंगे कैसे, है ना। तो परिधन इच्छा, देखिए परिधन इच्छा, है ना, परिधन इच्छा इस तरह से लिखेंगे तो इसका हो जाएगा परीक्षा। देखो परीक्षा यानी कि ये छा है, यानी इस पर डंडा और लग जाएगा, तो यहाँ है देखो बड़ी ई और ये है छोटी ई, तो दोनों के मेल से क्या बना है, बड़ी ई बनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब मान के चलना हमने लिया जैसे बधूपकार, है ना, तो देखो यहाँ बधू प्लस उपकार, है ना। अब देखो यहाँ बड़ा ऊ और यहाँ छोटा ऊ, तो ये क्या बन जाएगा, बधूपकार, बधूप। तो अब देखो ये जो है इन दोनों के मेल से, यानी कि इन दोनों के मेल से क्या बना है, बड़े ऊ की मात्रा लगी है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। चलिए इस तरह से देखो एक आध हम एग्जांपल लेते हैं गुण संधि का, जिसमें बताएंगे। जैसे इसमें छोटी ए और छोटे ओ की मात्रा का हमने वर्णन किया था, जैसे कि हमने एक शब्द लिया राजेंद्र, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, राजेंद्र का राजा प्लस इंद्र, है ना, जैसे राजेंद्र, तो इसका क्या होगा, राजा प्लस इंद्र। अब देखिए यहाँ पे क्या है आ और यहाँ पे क्या है ई, तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगी, छोटी ये बनेगी। देखो ये यहाँ पे सब लिखा है, इसको देखेंगे तो
तो आपको ये पता चल जाएगा सारा का सारा नियम, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं छोटे ओ का। देखो छोटे ओ का एग्जांपल लेंगे तो बड़े आर और ऊ के बाद में, यानी बड़ा आ या छोटा आ के ऊ के बाद में सब क्या बनेगा, ओ बनेगा। देखो जैसे हमने लिखा महोदय है ना, तो महोदय को कैसे लिखेंगे, महोदय। तो देखो महा प्लस उदय, ठीक है। अब देखो ये बड़ा आ है और ये है ऊ, तो इन दोनों के मेल से क्या बना, महोदय, यानी कि छोटा ओ बना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखो इसको आप इन नियमों को अगर ढंग से पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अब चलिए वृद्धि संधि का एक आध उदाहरण देते हैं। देखो वृद्धि संधि का नियम पहले देखना ज़रूरी है। इस नियम को देखेंगे और इस नियम को देखने के बाद देखिए बड़ा आ या बड़ी ए के बाद में क्या मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ए ही बनेगा, ठीक है। इसी तरह से बड़ा आ या बड़े ओ के साथ में, देखिए बड़ा आ या बड़ा ओ छोटे आ के साथ में छोटा ओ या बड़ा ओ मिलता है तो बड़ा ओ ही बनता है। देखो एग्जांपल देखते हैं एक आध, है ना। देखो यहाँ पर नियम की व्याख्या है, इसको अगर सही तरह से देखें आप, देखिए इन सब के मेल से छोटी ए है ना, बड़ी ए बनी है, यहाँ बड़ी ए होनी चाहिए और इसी तरह से ये बड़ा हुआ है। एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान के चलना सदैव, सदैव कैसे लिखेंगे, सदा प्लस एव, ठीक है, इस तरह से लिखा है। तो देखिए यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे ए है, तो क्या हो जाएगी, सदैव हो जाएगी, ये दो मात्राएँ लग जाती हैं, ठीक है, सदैव हो गया। आगे देखते हैं, जैसे महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, तो क्या हो जाएगा, महोजस्वी, महोजस्वी, ठीक है ना। इस तरह से नियम देखेंगे और बनाएंगे, सारी चीज़ें बनती चली जाएंगी। चलिए अब देखते हैं यण संधि को। देखिए यण संधि में क्या होता है, यण संधि में यानी कि छोटी ई और बड़ी ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद में असमान स्वर आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ छोटी ई है और बड़ा यहाँ पर बड़ी ई है ना, तो इनके बाद में असमान स्वर आए, यानी असमान का मतलब है कि जितने भी स्वर हैं उनमें से जैसे आ है, बड़ा है, अब देखो छोटी ई और बड़ी ई तो इधर है, ये इसको छोड़ करके जैसे छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, सारे के सारे आ जाएंगे, तो इन सब के मेल से या बनेगा, क्या बनेगा, या। अब देखिए जैसे कि छोटी या बड़ी के मेल के बाद में ये बना, यानी कि ये आया, बड़ा आया, तो या पे डंडा लग जाएगा आ का। इसी तरह से इन दोनों में से इसका मेल अगर होता है ऊ से, तो जैसे छोटे ऊ से हुआ तो यहाँ पे ऊ की मात्रा लग जाएगी, बड़े ऊ से होता है तो बड़े ऊ की लग जाएगी। इसी तरह से और भी शब्द रहेंगे, जैसे ए हो, ए से मेल होगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, ए की मात्रा लग जाएगी। इसी तरह से देखो छोटे ऊ के साथ भी ऐसा ही होता है, इसके यानी छोटे ऊ और बड़े ऊ के साथ में असमान स्वर आएँ तो क्या बनेगा, वाह बनेगा, ठीक है ना, क्या बनेगा, वा बनेगा, है ना। ऐसे ही ऋषि के साथ में अगर असमान स्वर आए तो क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं अब, जैसे हमने लिया अत्यधिक, अति प्लस अधिक, तो ये हुआ अत्यधिक, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं भा का नियम देखें। जैसे मान के चलना जैसे स्वच्छ है ना, तो स्व सु प्लस अच्छ, तो ये हो गया स्वच्छ, है ना। तो स्वच्छ लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे स्वच्छ। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको,
जैसे अब यहाँ पे क्या है, ऊ है, सा में क्या मिला है, ऊ है ना, और ये का है आ, तो ऊ और आ के मेल से क्या बना, बा। देखो ये छोटा है इसीलिए वा पे कोई भी डंडा नहीं है, ठीक है ना, स्वच्छ बन गया ये। इसी तरह से बहुत सारे शब्द बनेंगे, जैसे स्वागत भी इसी तरह से बनेगा, सुधन आगत है ना, तो क्या बन जाएगा, स्वागत। इसी तरह से जैसे अन्वेषण भी इसी तरह से बनेगा, अनु प्लस एषण है ना। चलिए आगे देखते हैं, जैसे र का एक नियम देखें, जैसे पितृ आज्ञा हमने लिखा, पितृ आज्ञा, तो देखिए पितृ ऐसे लिखेंगे, पितृ, देखो ये नीचे है र और इसको लिखा हमने आज्ञा है ना, आज्ञा, पितृज्ञा, तो कैसे लिखा जाएगा ये, पितृज्ञा या मातृज्ञा या मातृच्छा है ना, पितृज्ञा लिखेंगे, पितृज्ञा, ठीक है ना, इस पर डंडा और लग जाएगा, पितृज्ञा। तो देखो अब यहाँ पे आज्ञा में बड़ा बनेगा, तो ये बड़ा आ है और बढ़िया का मेल हुआ है ऋषि से, तो पितृज्ञा बन गया। तो ज़रूर ये बात समझ में आ रही होगी अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो। चलिए अब देखते हैं अयादि संधि को, देखिए अयादि संधि, अयादि का नियम एक बार देख लें, यदि ए बड़ी ए और बड़ा ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा है ना, ए का एक आय बन जाएगा, और आय और ओ का अब बन जाएगा, बड़े ओ का अब बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम लेते हैं नायक है ना, हमने लिया नायक, देखो अब नायक को हमने विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, ने प्लस अक, ने प्लस अक, देखो ने जैसे ने प्लस अक, तो ये क्या बन जाएगा, नायक। अब देखिए यहाँ पर नियम ये कहता है कि बड़ी ए की मेल अगर, बड़े ए का मेल अगर अस्वर्ण से होता है, ठीक है ना, तो मिलकर के क्या बन जाता है, अय बन जाता है। तो इसमें देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना है, अय आय और अब, इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, ये साउंड जरूर रहेंगे इन संधि में, ये साउंड रहते हैं और इन साउंडों को अगर तुम पहचान लोगे तो आप यण संधि का ही पहचान कर सकते हो। जैसे मान के चलना गायक, तो देखो गायक में अय, तो देखिए अय छिपा है ये। अब एक और एग्जांपल देखना, जैसे पवन, पवन, तो अब देखो इसमें छिपा है नहीं पवन में है ना, जैसे कि पवित्र, पवित्र, तो अब जिस इसमें जरूर छिपा है, ठीक है ना। जैसे कि भावुक, भाव, देखो आव इसमें छिपा है, तो इस तरह से देखो भावुक है, पवन है, भवन है, पवित्र है, नाविक है, नायिका है, गायिका है, इस तरह के सारे शब्द रहेंगे कौन सी संधि में, अयादि संधि में है ना। तो ये एक बार ज़रूर आप दोबारा से वीडियो देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएंगी। और स्वर संधि का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, अब इसके बाद में व्यंजन संधि की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। साथियों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखेंगे, जब पूरा देखेंगे तभी ये पूरा की पूरी स्वर संधि आपके समझ में आएंगी, और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।